अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे रावी के ब्रिज के बारे में। तो जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रावी ब्रिज पर खड़ा हूँ और आगे भी चल के इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइड की कि यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सारी जगह आपको नज़र आ रही है, सारी यहाँ पर पहले घास वगैरह थी, ग्रीनरी थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा ये जो जगह है वो सामने आपको दिखाता हूँ कि इतनी गहरी ये जगह थी। सामने आप अगर ये देखेंगे ये साइड, ये सामने यानी कि इतनी गहरी जगह थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी फ़िलहाल गस्सू वगैरह डालकर इसको जो है वो रोड के लेवल तक लेकर आया गया है। पहले ही गस्सू, काफ़ी देर पहले गस्सू डाल दिया गया था ताकि जो है जब इस पर रोड बनना हो ताकि ये उस वक्त तक ये फुल कम्पैक्ट हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक दो और काम भी किए गए हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला काम है जो आप भी देख रहे हैं, नीचे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डाली गई है। और उसके अलावा एक साइड, ये सामने आप देख सकते हैं ये वाली साइड, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, उसको भी जो है वो यहाँ से रिमूव किया गया था। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पोल से बिजली के, उनको भी जो है वो यहाँ से रिमूव किया गया है। फ़िलहाल इस साइड पर यही काम किया गया है। अभी चलते हैं आगे इस साइड पर, और इस साइड पर आगे चल के देखते हैं कि क्या फ़िलहाल काम किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ईद से पहले ये गर्डर्स कोई 3 से 4 स्पैन ईद से पहले कंप्लीट कर लिए गए थे। तो अभी लिहाजा ईद के बाद मैं मेरा फर्स्ट यहाँ पर चक्कर लगा है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि आगे कितना काम किया जा रहा है। फ़िलहाल कह लें कि आप लेबर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, कह लें कि बस कुछ बंदे ही नज़र आ रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप कि क्रेन के जरिए जो है वो बिजली की तार को खींच कर यहाँ तक लेके आया जा रहा था ताकि जब नाइट में यहाँ पर काम करना हो तो लाइट्स वगैरह यहाँ पर ऑन हो जाएँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो क्रेन के जरिए जो है वो ऊपर चढ़कर जो है वो सामने बिजली के कनेक्शन किए जा रहे हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं कि आगे काम की जो है वो फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। ये साइड देखेंगे आप, यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल गर्डर्स वगैरह रखे गए हैं। ये साइड, ये सबसे पहले यहाँ पर रखे थे गर्डर, ये पहला स्पैन है, वहाँ तक जो है हमारा पहला स्पैन आ जाता है। और अभी आगे चल के देखते हैं कि आगे कितने स्पैन पर जो है वो गर्डर्स का काम मुकम्मल किया जा चुका है। ये वाला जो स्पैन आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो है वो स्टील का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। ये वाला स्पैन जो आपको नज़र आ रहा है ये पहला स्पैन है इस साइड का, और इसके ऊपर जो है वो फ़िलहाल स्टील का काम भी जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। और ये दूसरा स्पैन है, इसके ऊपर भी फ़िलहाल शटरिंग का काम किया जा रहा था ईद से पहले, और अभी भी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शटरिंग का काम जो है वो प्रॉपर मुकम्मल नहीं किया गया। देखेंगे आप भी हल्के, किसी किसी जगह पर जो है वो शटरिंग का काम किया गया है और किसी किसी जगह पर मुकम्मल नहीं है। तो ये दूसरा स्पैन है इस साइड का, और आगे जो तीसरा स्पैन मुझे नज़र आ रहा है वो भी आपको चल के दिखाता हूँ मैं कि तीसरे स्पैन पर जो है वो क्या काम किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे आपको कोई भी किसी किस्म की जो है वो लेबर यहाँ पर नज़र नहीं आएगी अभी फ़िलहाल। तो इनको शायद छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने जो है वो दो दो तीन तीन महीने बाद अपने घर वापस जाना होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्रॉपर लेबर नहीं आए, बंदे हैं लेकिन कम हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो दूसरा स्पैन आ जाता है, और ये इससे आगे जो है वो तीसरा स्पैन स्टार्ट हो चुका है। और फ़िलहाल आप देखेंगे कि तीन स्पैन, ईद से पहले भी तीन स्पैन ही कंप्लीट थे और ईद के बाद भी तीन स्पैन ही कंप्लीट थे, यानी कि इस साइड पर आप कह लें कि टोटल 24 गर्डर्स जो हैं वो फ़िलहाल आ चुके हैं। 24 गर्डर्स यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। और अभी आगे चल के देखते हैं कि आगे जो पाइल्स थी वो भी काम तो उनका फ़िलहाल मुकम्मल ही है, और देखते हैं कि वहाँ पर अपडेट क्या है। उन्होंने जो है वो उनकी बॉटम की शटरिंग थी वो खोली है कि नहीं खोली, वो भी आगे चल के जो है वो देखते हैं। बाकी ये साइड आप देख सकते हैं सामने मेरे, जो आपको ये साइड नज़र आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर थी। ये सामने ये जगह आप देख रहे हैं कि इतनी थी हाइट पर, ये सारी मिट्टी थी यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी जो है वो लेवल, यानी कि सारी जगह यहाँ पर जो है वो लेवल की जा चुकी है। और ये जो क्रेन्स थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, एक क्रेन यहाँ पर थी और एक क्रेन उस वक्त उस साइड पर थी, लेकिन अभी इनके ये जो स्पैन आप देख रहे हैं, ईद से पहले
ये क्रेन यानी कि यहाँ पर थी, उसके अलावा अभी यानी कि ये एक जो है वो गर्डर सामने आप देखेंगे, इस पैन का जो है वो एक गर्डर लॉन्च किया गया। पता नहीं ये ईद से पहले किया गया था, क्योंकि मैं तो सरगोधा चला गया था ईद करने, लेकिन पता नहीं इससे पहले इसको लॉन्च किया गया है कि ईद के बाद किया गया है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। तो एक गर्डर इनके कह लें कि एक इनके 24 गर्डर पहले लॉन्च थे, और इनके एक 24 प्लस एक मतलब कि 25 गर्डर जो है वो इस साइड पर लॉन्च किए जा चुके हैं अभी तक। और पता नहीं ये ईद से पहले था कि ईद के बाद, मुझे इसका कन्फर्म आइडिया नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल लग, तो मुझे ऐसे ही रहा कि इनके शायद कल या परसों इसको लॉन्च किया गया है। हो सकता है कि ईद से पहले भी लॉन्च किया गया हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर भी इनकी ईद के बाद पहला चक्कर है। इनके टोटल इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो 25 गर्डर जो है वो इस साइड पर अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। बाकी ये चलते हैं आगे, और आगे चल के देखते हैं। फिलहाल इनके यहाँ तक हमारे गर्डर्स का जो है वो काम हो चुका है, 25 गर्डर लॉन्च किए जा चुके हैं। 8 एक स्पैन के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, और टोटल इसको एक को मिलाकर 25 गर्डर फिलहाल यहाँ तक लॉन्च किए जा चुके हैं। बाकी ये साइड आप देखेंगे, ये साइड भी सारी जो है वो लेवल की जा चुकी है। और अभी आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या फ़िलहाल इसकी अपडेट्स हैं। अभी इनके टोटल कह लें कि आप 3 स्पैन रहते हैं गर्डर्स के, 3 में यानी कि 24 आएंगे, और इसको एक अगर माइनस कर दें ये वाले गर्डर को, तो रह जाएंगे आपके 23 गर्डर, यानी कि 23 गर्डर भी यहाँ के इस साइड पर लॉन्च होने वाले रहते हैं। और पानी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस साइड पर पानी भी आ चुका है दरिया में, और भी पानी आस्ते आस्ते ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होना इसमें, क्योंकि अभी आगे मानसून का सिलसिला पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता है कि मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो जैसे ही बारिशें ज़्यादा होंगी तो ये पानी वैसे का वैसे यानी कि कह लें कि इसमें इजाफा ही होगा। यानी कि ये वाली साइड जो है, जैसे वो साइड लेवल की गई है, ऐसे ही इंशाल्लाह इसका इस साइड को भी जो है वो लेवल किया जाएगा, तो जिसके बाद फिर यहाँ पर बाकी काम जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलें गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।